हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोडक्शंस है, तो कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोडक्शंस को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे आप कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोडक्शंस को इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं और कॉलिंग आईडी को आप इनेबल करके आप कैसे यूज़ कर पाएंगे रेडमी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी को इनेबल कैसे करेंगे और कैसे स्पैम कॉल्स वगैरह को शो कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप, जिसको आपको स्वाइप करना है। स्वाइप कर दिया, ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको इसमें चले जाना होगा फ़ोन आइकन्स पे। फ़ोन आइकन्स आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो करता है, जिसमें से आपको थ्री डॉट आइकन्स पे चले जाना और कॉलिंग सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो जो भी आपकी फ़ोन की कॉल सेटिंग्स है आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी और आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, देख सकते हैं कि इस पर चले जाना है और कॉलर आईडी एंड स्पैम आईडी को यहाँ से इनेबल कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। और स्पैम कॉल प्रोडक्शंस को हमने इनेबल कर दिया, जिससे कोई भी कॉल्स आती है स्पैम कॉल, सस्पेक्टेड कॉल्स, तो आपके कॉलिंग बैकग्राउंड पे शो हो जाएगी। इस तरीके से आप फिल्टर स्पैम कॉल्स को भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे सस्पेक्टेड एंड फ्रॉड कॉल्स को भी आप कॉलिंग बैकग्राउंड में शो कर सकते हैं और आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। एंड आप चाहें तो कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, आप अनाउंसमेंट को ऑफ भी कर सकते हैं, कोई भी कॉल्स वगैरह अनाउंस नहीं होगी। एंड आप इसको ऑलवेज पे करते हैं तो जो कॉलिंग से अनाउंस होने लगेगी आपके कॉल्स वगैरह पे फ़ोन में। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ करके आप अपने फ़ोन में कॉलिंग्स वगैरह को, कॉलर आईडी, स्पैम, सस्पेक्टेड कॉल्स को शो कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।